कुछ नहीं करना, गलत बेकार आदमी है। देखिए काम बढ़िया है, देश सुरक्षित हाथों में, और इससे बढ़िया क्या भाजपा की लग रही है मनोज तिवारी। इतने बड़ा आदमी का रोजाना रोड पे थोड़ा डोलेगा, काम करवा कोई राजी नहीं है भाई। उन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी करी, देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इस तरह। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट की सीट इस वक्त की सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, और मैं इसके लिए कह रहा हूँ ये चीज क्योंकि ये सीट के ऊपर दोनों कट्टर नेता इस वक्त यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ के सांसद रहे हैं, और कन्हैया कुमार ये वही शख्स हैं जिनके ऊपर पूर्व में ये आरोप लगा था जब ये जेएनयू के छात्र नेता के तौर पर वहाँ पे कार्य करते थे, तब इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि ये देश विरोधी नारे कन्हैया कुमार के द्वारा लगाए गए हैं। अब आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ा है ये मामला, और अब लोकसभा चुनाव में दोनों आमने सामने हैं। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट की सीट पे इस वक्त घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कल ही कन्हैया कुमार ने दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट पे, और मैं लोगों तक जाके लोगों से ये चीज पूछने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली की लोकसभा सीट पे किसके ऊपर मोहर लगाने जा रहा है। काम करवा कोई राजी नहीं है, अभी परसों वहाँ गए थे आम आदमी पार्टी वाले, तो इनको ऐसा जुगाड़ दिया, इन्होंने कहा वोट दे, काम तो करवा दो, बारह मत दे करो वोट क्या करो। अच्छा मतलब क्या जुगाड़ दी, मतलब आपने वोट आम आदमी पार्टी वाले का इजारे। अच्छा इस तरीके के जवाब उनके जो दिए हैं उसने उनके बेटे ने भैया ये बात। अरे भैया जब कोई काम नहीं करवाता, कुछ नहीं करवाता, पूरे पार्क वारक सब ऐसे ही पड़े, क्या फायदा। अच्छा कोई काम ही नहीं करवा रहा, काम करवाने गए थे कभी, नाली भरी पड़ी है करवा दो। जी भैया आप किसको देने वाले, मेहनत करके खुद खाना पड़ता है इंसान को, खुद खाना पड़ता है इंसान को। तो सरकार में कौन बेहतर है, भाजपा बेहतर है कि कांग्रेस बेहतर है? कांग्रेस कांग्रेस बेहतर है। भैया जी आप किसको देंगे, कांग्रेस कांग्रेस क्या बेहतर काम करती है कांग्रेस ने? यह कोई बेहतर नहीं करा तो कोई अच्छा, ये जैसे मोदी सरकार करा रही है रोड वोट तो हम बेकार पड़े अंदर के लोग आप जाके, तो उसमें क्या कांग्रेस की उसमें जब काम होता है उसमें सब तरह को कोई सेटर नहीं है। सर ये कह नहीं सकते, ऐसे कांग्रेस को जी किसको देने वाले हैं? बीजेपी को, बीजेपी को देने, क्या देखते वोट देने वाले हैं? बीजेपी के काम बढ़िया है देश सुरक्षित हाथों में, और इससे बढ़िया क्या। आपके क्षेत्र में मनोज तिवारी ने क्या काम किए? मनोज तिवारी ने जो काम है जनता के वो काम किए हैं। क्या काम किए हैं जनता के? जनता तो नाराज भी है काफी। तो जनता सब तरह की है, हर जगह जनता उसके विरोध में भी होती है, सपोर्ट में भी होती है। क्या लग रहा है मनोज तिवारी का नाम कन्हैया कुमार कौन है बेहतर? इस समय मनोज तिवारी टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार? अरे कन्हैया कुमार कहाँ है, बहुत कम। सर कांग्रेस ने क्या गलती कर दी है क्या कन्हैया कुमार को टिकट दे गए? लवली ने पहले इस्तीफा दे दिया कन्हैया कुमार को जैसे टिकट मिला, और अब जो है तो लोग जिस तरीके के उनके बयान रहे हैं जे एन यू के टाइम पे बहुत आरोप लगे हैं उनके ऊपर, लोग उस चीज से नाराज हैं क्या कन्हैया कुमार? वही चीज है बिल्कुल भाई, उन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी करी, देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इस तरह के नारेबाजी करी, जनता समझती है आजकल, जनता हर चीज समझती है। भाजपा पे ही सोच रहे हैं, भाजपा पे मोहर लगाएंगे, क्या देख के मोहर लगाएंगे? केजरीवाल जी अंदर जा चुके हैं। केजरीवाल जी ये लोकसभा चुनाव है कन्हैया कुमार बनाम जो है मनोज तिवारी चल रहा है इस सीट पे, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें? भाजपा की लग रही है मनोज तिवारी, भाजपा ही आई थी। अंकल जी क्या लग रहा है किसको देने वाले हैं वोट? क्या बीजेपी को? बीजेपी को देंगे वोट, क्या देख के वोट देने वाले? काम कर रही बीजेपी, क्या काम किया है इससे? विदेशों में नाम हो रहा है अपना, विश्व में तो नाम हो रहा है, आपके क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ? हमारे क्षेत्र में क्या, दिल्ली में बीजेपी है, डेवलप क्या होगा, यहाँ तो केजरीवाल है। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार? कुछ नहीं करना, गलत बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी है। सही आदमी मनोज तिवारी है? बिल्कुल है, कभी जीतते आ रहे हैं तो ही जीतते। कन्हैया कुमार तो भाग के आए बिहार से, यहाँ कन्हैया कुमार भाग के आए, और क्या। और भी कुछ लोगों से जानते हैं किसको देने वाले हैं वो इस बार वोट? काम कर रहा है मनोज तिवारी, तो फिर कौन लोग ये कहते हैं कि मनोज तिवारी ग्राउंड पे नहीं दिखे? नहीं ग्राउंड पे क्या, आदमी का इतने बड़ा आदमी का रोजाना रोड पे थोड़ा डोलेगा, तो कभी कभी आएंगे, तो उनका काम करना का तो कर रहे हैं वो लोग।
मोदी जी ने काम किया है। हाँ मोदी ने खूब काम किया, मोदी ने बहुत काम किया, मोदी जी ने भी काम किया।